नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों ल्यूमिनस कंपनी के सोलर इन्वर्टर के बारे में। दोस्तों ल्यूमिनस कंपनी ने हाल ही में अपने कुछ नए सोलर इन्वर्टर लॉन्च किए हैं और ये NXG सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लॉन्च किए हैं, यानी कि ये सभी इन्वर्टर जो है वो NXG सीरीज के ही हैं। तो यहाँ पर इन्होंने NXG सीरीज में 4 सोलर इन्वर्टर लॉन्च किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इन इन्वर्टर्स की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, इनका प्राइस कितना है, इनके ऊपर आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, कितनी बैटरी लगा सकती हैं, और सबसे मेन चीज कि आप इनके ऊपर कितना लोड चला सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी अपने घर में नए सोलर इन्वर्टर लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर सोलर सिस्टम लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो सही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले है NXG 850 मॉडल। यह इन्वर्टर 500 VA का है, तो इसके ऊपर आप 400 वाट तक का लोड चला सकते हैं। लेकिन हम आपको रेकमेंड करेंगे यदि दोस्तों आपको 350 वाट तक का या फिर 300 वाट तक का लोड चलाना है तो आपके लिए ये इन्वर्टर बेस्ट है। यह इन्वर्टर 12 वोल्ट को सपोर्ट करता है, तो इसके ऊपर आप एक बैटरी लगा सकते हैं। और यदि आपको बैटरी बैकअप की ज्यादा जरूरत हो तो फिर आप ज्यादा एज की बैटरी इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके सोलर की बात करें तो हम इसके अंदर आपको PWM टाइप का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलेगा। उसकी करंट रेटिंग 30 एम्पियर होगी और इसके ऊपर आप 12 वोल्ट के 500 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसकी जो VOC है वो मिनिमम 18 वोल्ट है और मैक्सिमम 25 वोल्ट दी गई है, ठीक है दोस्तों। और इसका वेट 8 किलो के आसपास है। यदि बात करें दोस्तों इस इन्वर्टर की प्राइस के बारे में, तो इस इन्वर्टर का प्राइस ल्यूमिनस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 6700 रुपए दिया गया है। लेकिन यदि आप इसे ल्यूमिनस के किसी डीलर से खरीदेंगे तो हो सकता है कि आपको 4,000 या फिर 5,000 रुपए के आसपास में ये इन्वर्टर देखने को मिले, क्योंकि ऑनलाइन प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए आपको किसी ऑफिस में एक सीलिंग फैन, एक टीवी और एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के लिए इन्वर्टर की जरूरत है तो आप इससे अपना काम चला सकते हैं, ये इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट है। या फिर आपको घर में किसी ऐसी काम के लिए इन्वर्टर की जरूरत है, मान लीजिए दोस्तों आपको कोई एक ही लोड चलाना है 200-300 वाट तक का, तो उसके ऊपर आप इस इन्वर्टर को ले सकते हैं। या फिर यदि आपने कोई बड़ा कंप्यूटर सिस्टम तैयार करवाया हुआ है 300-400 वाट तक का, तो उसके लिए भी ये इन्वर्टर बेस्ट है। या फिर दोस्तों कहीं आप अपने खेत में कुछ देर के लिए सीलिंग फैन और लाइट ऑन करने के लिए इन्वर्टर ले रहे हैं तो खेत के लिए भी ये इन्वर्टर बेस्ट है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले मॉडल की, जो है NXG 1150 मॉडल। दोस्तों यह इन्वर्टर 850 VA का है, लेकिन इसके ऊपर आप 680 वाट तक का लोड चला सकते हैं। लेकिन हम आपको रेकमेंड करेंगे यदि आपको 500 वाट तक का या फिर 550 वाट तक का लोड चलाना है तो आपके लिए यह इन्वर्टर बेस्ट है। यह इन्वर्टर भी PWM टाइप का है और इसका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसकी करंट रेटिंग 50 एम्पियर है। इस इन्वर्टर के ऊपर आप 12 वोल्ट के 850 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। और इसकी VOC की बात करें तो इसकी मिनिमम VOC 18 वोल्ट है और मैक्सिमम 25 वोल्ट दी गई है, ठीक है दोस्तों। और इस इन्वर्टर का वेट 12 किलो के आसपास है। यदि बात करें इस इन्वर्टर के प्राइस के बारे में, तो ल्यूमिनस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इस इन्वर्टर का प्राइस 8200 रुपए दिया गया है। यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ल्यूमिनस के किसी डीलर से इसे खरीद सकते हैं, वहाँ पर आपको कुछ और प्राइस में कमी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मान लीजिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा लोड चलाना है, यानी 500 या फिर 550 वाट तक का लोड चलाना है, या फिर आपका एक नॉर्मल घर है जिसमें आपको एक टीवी, 2 सीलिंग फैन या फिर एक पेडस्टल फैन, 5 LED बल्ब और एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर चलाना है, तो आपके लिए ये इन्वर्टर बेस्ट है, आपका काम इससे चल जाएगा। इसका प्राइस हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला मॉडल और ये है NXG 1450। दोस्तों यह इन्वर्टर 1100 VA का है, तो इसके ऊपर आप करीब 850 वाट तक का लोड चला सकते हैं। लेकिन हम आपको रेकमेंड करेंगे यदि आपको 700 वाट तक का लोड चलाना है तो आपके लिए ये इन्वर्टर बेस्ट है। यह इन्वर्टर भी 12 वोल्ट को सपोर्ट करता है, तो इसके ऊपर आप एक बैटरी लगा सकते हैं। और यदि आपको बैटरी बैकअप की ज्यादा जरूरत हो तो आप ज्यादा एज की बैटरी लगा सकते हैं। और इसका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वह भी PWM टाइप का है और उसकी भी 50 एम्पियर करंट रेटिंग दी गई है। और इसके ऊपर आप 12 वोल्ट के 1100 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसकी जो मिनिमम VOC है वो 17 वोल्ट है और मैक्सिमम 25 वोल्ट दी गई है। और इस इन्वर्टर का वेट 16.5 किलो के आसपास है। यदि बात करें दोस्तों इसके प्राइस की, तो ल्यूमिनस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इस इन्वर्टर का प्राइस 10,600 रुपए दिया है। तो यदि आप इसे ल्यूमिनस के डीलर से खरीदें तो वहां पर आपको कुछ और प्राइस में कमी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको कुछ देर के लिए ही बैटरी बैकअप की जरूरत है और उस समय आपको 600-700 वाट तक का लोड चलाना हो तो आपके लिए ये इन्वर्टर बेस्ट है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आपके घर में 24 घंटे लाइट रहती है और 2-4 घंटे के लिए ही लाइट जाती है, या फिर आपको बैटरी बैकअप की कम जरूरत है, मान लीजिए आपको 500 वाट तक का लोड चलाना है और आपको 1-2 घंटे की बैटरी बैकअप की जरूरत है, तो ऐसे में आप इस इन्वर्टर को ले सकते हैं। यदि आपको भविष्य में थोड़ा ज्यादा लोड भी कभी कभार चलाने की जरूरत पड़े 10 या फिर 15 मिनट के लिए, तो आप ज्यादा लोड भी इस पर चला सकते हैं। ये नहीं फिर
फिर आप इस पर कम लोड थोड़ा ज़्यादा देर के लिए चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों हमारा नेक्स्ट मॉडल जो है NXG 1850। यदि बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो यह इन्वर्टर 1500 VA का है, लेकिन इसके ऊपर आप 1200 वाट तक का लोड चला सकते हैं। लेकिन हम आपको रेकमेंड करेंगे यदि आपको 1 किलोवाट तक का लोड चलाना है तो आपके लिए ये इन्वर्टर बेस्ट है, या फिर आप इसके ऊपर 1100 वाट तक का लोड चला सकते हैं। यह इन्वर्टर 24 वोल्ट को सपोर्ट करता है, तो इसके ऊपर आप 2 बैटरी लगा सकते हैं। और इसका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वह भी 50 एम्पीयर की करंट रेटिंग वाला है, और इसके ऊपर आप 24 वोल्ट के 1500 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी जो VOC है वो मिनिमम 36 वोल्ट है और मैक्सिमम 60 वोल्ट दी गई है, ठीक है दोस्तों। और इस इन्वर्टर का वेट 17 किलो के आसपास है। तो यदि बात करें इस इन्वर्टर के प्राइस की तो दोस्तों ल्यूमिनस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इस इन्वर्टर का प्राइस 12,100 रुपये दिया गया है। तो दोस्तों यदि आपके घर का लोड 1 किलोवाट तक का है तो आपके लिए ये इन्वर्टर बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर आप 2 बैटरी लगा सकते हैं, तो आप ज़्यादा लोड भी थोड़ा ज़्यादा देर के लिए चला सकते हैं। और दूसरी बात कि इसके ऊपर आप 1.5 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं, जो कि आपके लिए सही रहेंगे। दिन के समय में आप सारा लोड अपना सोलर पैनल से चला सकते हैं, और रात के समय के लिए आपकी बैटरी जो है वो बैटरी बैकअप दे देगी, ठीक है दोस्तों। और इन चारों इन्वर्टर के ऊपर आप किसी भी टाइप की बैटरी लगा सकते हैं, जैसे कि ट्यूबलर और फ्लैट प्लेट इस तरह की, ठीक है दोस्तों। और इनमें आपको और भी काफी सारे मोड वगैरह दिए हैं, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, जहां से आप इन सभी इन्वर्टर की अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैंने इन सभी इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन और इनके प्राइस वगैरह आपको बता दिए हैं। तो यदि आपको 1 किलोवाट तक का लोड चलाना है तो आपके लिए इनका सबसे नेक्स्ट मॉडल जो है वो सही रहेगा NXG 1850, ठीक है दोस्तों। और यदि आपको 500-600 वाट तक का लोड चलाना है तो आप इनका 1100 VA का मॉडल ले सकते हैं। तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन सा खरीदना चाहते हैं, और यदि इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।